छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में शादी समारोह में शामिल होकर घर लौट रहे पति पत्नी सहित चार लोगों की लाश सिंगार भाट के पास कुएं में मिली है। मौके पर पहुंची कांकेर पुलिस कुएं में गिरी कार को निकालने का प्रयास कर रही है, साथ ही शवों को बाहर निकाला जा रहा है। प्राथमिक जांच में पुलिस ने आशंका जताई है कि कुआं जंगलवार कॉलेज के सामने सड़क के किनारे है, जिसमें मुंडे नहीं बनी है। पुलिस का कहना है कि कार की रफ्तार तेज रही होगी, गाड़ी को साइड देने के लिए कार को सड़क के किनारे उतारने की कोशिश गई होगी, जिसके बाद कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे उतरी और फिर सीधे कुएं में जा गिरी। मृतकों के स्वजन के मुताबिक ओडिशा के उमरकोट निवासी 58 वर्षीय सपन सरकार अपनी 50 वर्षीय पत्नी रीता सरकार के साथ कार से कांकेर निवासी रीना दत्ता के यहां शादी समारोह में शामिल होने आए थे। इनके साथ कोंडा गांव के दो रिश्तेदार विश्वजीत अधिकारी हजारीलाल ढाली भी थे। कांकेर के गोविंदपुर में आयोजित एक शादी समारोह से शनिवार को वापस लौट रहे थे। कांकेर से कुछ दूरी तय करते ही रात लगभग 10 बजे चारों का मोबाइल अचानक बंद मिला। स्वजनों ने रिश्तेदारों और आसपास पतासाजी के बाद कांकेर पुलिस में गुमसुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। इसके बाद पुलिस ने चारों की तलाश शुरू की। लगातार तलाशी के बाद कांकेर पुलिस को चारों की लाश सिंगार भाट के पास कुएं में मिली है। एडिशनल SP अविनाश ठाकुर ने बताया कि कार निकालने की कोशिश की जा रही है। कार की पहचान परिजनों ने की है।